सरकार की तरफ से जो है वित्तीय सहायता के रूप में जो है प्रदान किया जाएगा। वहीं आगे की बात, यह बेरोजगारी भत्ता युवाओं को तब तक दिया जाएगा जब तक कि उन्हें जो है कोई नौकरी नहीं मिल जाती है, तब तक जो है इसका बेरोजगारी भत्ता का जो है लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं। वहीं सरकार के द्वारा दी जाने वाली धनराशि के जरिए जो है बेरोजगार युवाओं को जो है अपने और अपने जो है परिवार का पालन पोषण जो है अच्छे से वह कर सकेंगे, इसलिए जो है यह स्कीम को लाया गया है। वहीं जो है झारखंड बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत जो है बेरोजगार युवाओं को जो है आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जो है प्रदेश के एक जिला कार्यालय भी सक्रिय हो गए हैं। यानी जो है आपका जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ पर जो है इससे रिलेटेड जो है बेरोजगारी भत्ता से रिलेटेड एक ऑफिस यानी कार्यालय भी बना दिया गया है, ताकि जो है आपको जो है बेरोजगारी भत्ता जो है समय से मिल सके, ये जो है सरकार का लक्ष्य है। वही फ्रेंड्स, बेरोजगारी भत्ता 2021 की जो है पात्रता की बात करें कि इसका जो है लाभ कौन कौन ले सकता है, तो इस योजना के तहत जो है आवेदक जो है झारखंड के अस्थायी निवासी होना चाहिए। अगर आप जो है झारखंड से बाहर के रहने वाले हैं और झारखंड में रह करके आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको इसका लाभ नहीं मिलने वाला है, केवल जो है झारखंड के निवासी को ही इसका लाभ दिया जाएगा। आवेदक के जो है परिवार की जो है वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर 3 लाख रुपए से अधिक है तो आपको जो है इसका लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। वहीं जो है इस योजना के तहत जो है आवेदक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, तो ही जो है इसका आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में जो है आपका बीए लेवल का होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका पीजी लेवल का होता है, तो ये दोनों जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वह जो है किसी नौकरी के पद में पर जो है नहीं होना चाहिए। अगर वह जो है किसी नौकरी पद पर है तो जो है वह आवेदन नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हालांकि हम ये बात क्लियर कर दें, जो कि 12वीं पास कर चुके हैं तो वह जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं जो है वोटर लिस्ट या राशन कार्ड में जो है आपका नाम होना जो है आवश्यक है, तो ही जो है आप इसका आवेदन कर पाएंगे। वहीं जो है झारखंड बेरोजगारी भत्ता 2021 की जो है दस्तावेज की बात करें कि आपको जो है आवेदन करते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, तो आवेदक को जो है आधार कार्ड देना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपको पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। ग्रेजुएट पास की जो है आपको मार्कशीट आपको देना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएट की जो है आपको मार्कशीट की आवश्यकता होगी। आय प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता होगी। निवास प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता होगी। जाति प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता होगी। अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अगर आप विकलांग हैं, डिसेबिलिटी है, तो आपको जो है विकलांग प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जो है आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। आपको जो है एक पासपोर्ट साइज फोटो की जो है आवश्यकता होगी ऑनलाइन करने के दौरान पर। वही फ्रेंड्स, झारखंड बेरोजगारी भत्ता 2021 की जो है ऑनलाइन आवेदन की बात करें, इसका जो है आपको ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है, तो आपको जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपको जो है वहां से जो है आप डायरेक्ट जो है इस वाले वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां से आने के बाद अब यहां पर आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, न्यू जॉब सेकर, ठीक है। तो सिंपली जो है आपको इस वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने यहाँ पर जो है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन विजार्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है, एक अदर डिटेल्स पूछा जाता है। अदर डिटेल्स खास करके उन लोगों के लिए होता है जो कि बाहर के प्रदेश में रह करके काम करके आए हैं, अभी झारखंड में रह रहे हैं, उसके पास कोई भी रोजगार नहीं है, तो अगर उसका जो है लॉकडाउन के कारण नौकरी खत्म हो चुका था, तो यहाँ से वो लोग अदर डिटेल्स भर करके अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, कौन सा विभाग में कौन सा वर्क करते थे, उनको जो है इन सभी बातों का जो है यहाँ पर फॉर्म भरना पड़ता है। वहीं जो है आपको पर्सनल डिटेल्स के अंदर में जो है आपको डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है आपको अपना डिस्ट्रिक्ट ले लेना है। डिस्ट्रिक्ट ले लेने के बाद अब यहाँ से जो है एक्सचेंज आपको आ जाएगा। सेलेक्ट एक्सचेंज पर क्लिक करेंगे तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो है आपको 3 एक्सचेंज दिख जाएगा। इसके अलावा जो अलग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर में अलग आएगा, तो यहाँ पर देख लेंगे आपका जो भी है, तो आप जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है आप आगे की ओर आएंगे तो यहाँ से आपको जो है आधार नंबर पूछा जाता है, आप आधार नंबर फिल करेंगे। यहाँ से आपको फर्स्ट नेम पूछा जाता है, आपका जो फर्स्ट नेम है उसको डालना है। अगर आपका उसके बाद मिडिल नेम है, मिडिल नेम डालना है। लास्ट नेम अगर आपका आता है तो लास्ट नेम डालना है, नहीं आता कोई बात नहीं छोड़ देना है। आगे देखेंगे, आगे कॉलम में आपके फादर्स नेम पूछा जा रहा है, फादर्स नेम आप यहाँ से फिल करेंगे। इसके अलावा आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना होगा। उसके बाद यहाँ से मोबाइल नंबर आप सही से फिल करेंगे, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद पासवर्ड आपको भेजा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जेंडर आप देखेंगे, अगर आप मेल है तो मेल पर सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल वाले बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन देखने को यहाँ पर जो है, आप अगर मैरिड है तो मैरिड पर क्लिक करना है, अनमैरिड है अनमैरिड पर क्लिक करना है। आपका जो भी रिलेशन हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा आगे जाएंगे तो यहाँ से रिलीजन यहाँ से पूछा जा रहा है, यहाँ से आप किस जो है रिलीजन को मानने वाले हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। इसके अलावा यहाँ पर अर्बन और जो है आपको यहाँ पर रूरल पूछा जा रहा है। यहाँ पर शहरी क्षेत्र, अगर आप जो है गांव या शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको यहाँ पर अपने अनुसार से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आगे जो है आपको कास्ट पूछा जा रहा है, कास्ट के अंदर में आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलेंगे, जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, ओबीसी एससी एसटी बैकवर्ड क्लासेस जिससे भी, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे आएंगे तो यहाँ पे मम्मी पापा का नाम पूछा जाता है, मदर्स नेम आप यहाँ से फिल करेंगे। यहाँ पर जो है आप स्पाउस नेम पूछा जाता है, इसका अर्थ होता है अगर आप जो है रिलेशनशिप में है, अगर आप जो है फीमेल है तो आप अपना पति का नाम देंगे, अगर जो है आप मेल है तो आप अपना पत्नी का नाम दे सकते हैं। वहीं जो है आगे आएंगे एड्रेस, उसके बाद ऑफ कम्युनिकेशन में, तो आपको यहाँ पर एड्रेस वन पूछा जा रहा है, आप एड्रेस वन को डालेंगे। इसके अलावा अगर आप दूसरी जगह रहते हैं तो यहाँ से दूसरे जगह का एड्रेस डाल सकते हैं, नहीं रहते कोई बात नहीं, सिटी आप यहाँ से सिलेक्ट यहाँ पर डालेंगे। इसके अलावा यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फिर स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। पिन पोस्टल ऑफिस आपका क्या है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेने हैं, पिन कोड आपको यहाँ से डाल देना है। डालने के बाद अब नीचे की ओर आएंगे, यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है, आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरेंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स के अंदर में आपको क्वालिफिकेशन लेवल में आपको जो है यहाँ पर जो है पोस्ट ग्रेजुएट है या जो है आप ग्रेजुएशन ही से में ग्रेजुएट है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको एग्जाम पास पूछा जा रहा है, पास किए थे किस क्षेत्र से पास किए हैं तो आपको यहाँ से ले लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको स्ट्रीम पूछा जाता है कि कौन सा स्ट्रीम को लेकर आप जो है यहाँ से पढ़ाई किए हैं, तो आपको यहाँ से स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ से जो है आपको पासिंग ईयर जो है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, किस ईयर्स में आप पास किए हैं तो यहाँ से उसको डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका परसेंटेज क्या था उसको यहाँ से आप डालेंगे। उसके अलावा जो है यहाँ से और कुछ जाना है तो एड पर क्लिक करके आप एड कर सकते हैं। उसके बाद जो है जैसे ही इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जो है आपका यूजर आईडी भेज दिया जाता है, उस यूजर आईडी को आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ से पासवर्ड डालेंगे, आपको मोबाइल नंबर में आपको पासवर्ड भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा जो है आप अपने से भी पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना चाहते कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड आपसे पूछा जाता है, कंफर्म पासवर्ड पर जो है आपको सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आई एग्री, यहाँ पर दोनों पर मार्क लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अगर जो है आप बाहर के हैं तो अगर आप बाहर से काम करके आए हैं, कोई अलग झारखंड के अलग प्रदेश में रहकर के काम करते थे, लॉकडाउन के कारण आपका नौकरी खत्म हो चुका है, तो आप अदर डिटेल्स को फिल करना होगा। यहाँ अदर डिटेल्स में फिल करेंगे तो यहाँ पे सेक्टर पूछा जाता है,
सेक्टर पर क्लिक करेंगे, आप कौन से सेक्टर पर काम करते थे, ठीक है, तो यहाँ से आप उसको लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में काम करते तो यहाँ से लेना है। एक्सपीरियंस टाइप पूछा जाता है, आप यहाँ पर एक्सपीरियंस टाइप आप देंगे क्या आपका एक्सपीरियंस है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉयर पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको नेम ऑफ एम्प्लॉयर को यहाँ से फिल करना है, फ्रॉम से लेकर के टू, यहाँ से कहाँ तक आप जो है काम कर रहे होते हैं तो उसको देना है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस इन मंथ कितने महीने का जो है आपके पास एक्सपीरियंस है उस वर्क का, तो आपको यहाँ पर डाल देना है, ताकि जो है अगर आप झारखंड में जो है आपको रोजगार दिया जाए तो आपको उसमें दिक्कत ना होगा। उसके बाद यहाँ से जो है आप पोस्ट अपना सेलेक्ट करेंगे, किस पोस्ट में जो है आप वर्क करते थे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अकाउंटेंट में करते थे, यहाँ से देना है। उसके बाद यहाँ पे एनसीओ आपको सेलेक्ट कर लेनी है कि आपका जो है वो किस लेवल पर था, एनसीओ जो है आपका किस लेवल पर था, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको उसको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर पे ऑन लिविंग आपको जो है कितना रुपया मिलता था उसको डाल देनी है। अगर इसके अलावा और कुछ डालना चाहते हैं एड पर क्लिक करना है, उसके बाद नहीं डालना चाहते व्यू पर क्लिक करके जो है आप अपना स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। डिसेबिलिटी डिटेल्स में आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आर यू फिजिकली हैंडीकेप्टेड, अगर आप है तो यस पर क्लिक करना है, ये विकलांग के लिए है, नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। अगर यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ सवाल आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि डिसेबिलिटी ग्रुप आप किस ग्रुप से आते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा ग्रुप आपको दिख जाएगा। इसके अलावा जो है आप डिसेबिलिटी टाइप यहाँ से पूछा जाता है, ऐसे जैसे ब्लाइंड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे टाइप उसका आ जाता है किस प्रकार का आप ब्लाइंड है, आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कितना परसेंटेज आप जो है डिसेबिलिटी है इस पर सेलेक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से जो है आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ से पूछा जाता है, सर्टिफिकेट नंबर आपको जो है जिसमें सर्टिफिकेट बनाया जाता है इसका, तो यहाँ से विकलांग सर्टिफिकेट में आपको नंबर मिल जाएगा, उसको यहाँ पर डालना है। इशू डेट, तो आपका जो है विकलांग सर्टिफिकेट जारी किया गया था उसको डालना है। इशू बाय कौन जो है आपका विकलांग सर्टिफिकेट को जारी किया है उसको यहाँ पर नाम फिल करना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आगे आ जाता है, तो यहाँ पर आप जो है लोकल जॉब पर मंथ आप यहाँ पर कितना रुपया कमाते थे उसको डालना है। आउटसाइड जॉब पर मंथ यहाँ से अगर थे तो उसको डालना है। अगर जो है आप एक्स सर्विसमैन है तो यस पर क्लिक करना है, नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको जो है यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि आप जो है फॉरन कंट्री में रहकर के वर्क करते थे, तो यहाँ से आप जो है सेलेक्ट कर लेना है कौन सा फॉरन कंट्री पर रहकर के आप जो है वर्क करते थे, तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। नहीं करते थे कोई बात नहीं, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। उसके बाद यहाँ से जो है आपका लैंग्वेज डिटेल्स पूछा जाता है, आपको यहाँ से जो है लैंग्वेज डिटेल्स पर क्लिक करना है, आपको जो है यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से जो है अगर जो फॉरन कंट्री में रहकर के आए हैं तो वो इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से लैंग्वेज आप किस क्या क्या आपका क्या आपका लैंग्वेज है, तो यहाँ से अगर हिंदी बोलते हैं तो हिंदी आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से जो है आपको जो है क्या पसंद है व्हाइट स्पार्क जो भी है आप उस पर क्लिक करके एड पर, और भी अगर कुछ डिटेल्स डालना चाहते हैं एड पर क्लिक करेंगे, नहीं डालना चाहते व्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आई एग्री का दोनों कॉलम पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट बटन पर यहाँ से जो है आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका ये सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद जो है आपके सामने इस प्रकार का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन का आपको आपको सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा, यहाँ पर आपको जो है यूजर आईडी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो है आप यहाँ से अब जो है आगे यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपना फोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पर जो है आप क्लिक करके फोटो अपना सबमिट पर क्लिक करके फोटो अपना सबमिट कर देंगे। यहाँ पर जो है अपलोडेड अदर डॉक्यूमेंट आपका जो जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ से जो है आप अपलोड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कैप्चर फोटो बाय जो है वेब कैमरा आपसे यहाँ से पूछा जाता है, अगर आपका कंप्यूटर में वेब कैमरा लगा हुआ है तो आप डायरेक्ट जो है अपना फोटो यहीं से अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको डॉक्यूमेंट जो है यहाँ से जो है पीडीएफ फाइल आपको बना करके डाना है, ना तो जेपीईजी फाइल जो है फॉर्मेट बना करके आपको यहीं से अपलोड करना है। जितना भी हम डॉक्यूमेंट्स बताए थे सभी को यहीं से अपलोड करना है। अपलोड कर देने के बाद आपको सभी कार्य हो जाने के बाद आपके सामने जो है यहाँ पर आपका जो है इस प्रकार का स्लिपिंग आ जाएगा। स्लिपिंग को आप जो है डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप क्या करेंगे, इसका प्रिंट आउट निकाल करके जो है आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है जहाँ पर आपका जो है कार्यालय बनाया गया है सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर वहाँ पर वेरीफाई करवा लेंगे, बेरोजगारी भत्ता आना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए